अहम खबर से आपको आगाह करें, बताएं कि सिंध हाईकोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामे कराची और पुलिस ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। वफाक और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की सदा की गई। सिंध हाईकोर्ट जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जामे कराची और पुलिस ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया। वफाक पाकिस्तान बार काउंसिल की जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की सदा। इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दरखास्त में फरीक बनाया गया है, इस्लामिया कॉलेज को भी फरीक बना रहे हैं। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी, इस्लामिया कॉलेज को भी फरीक बना रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा आज न्यूज सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद से। जी शमील बताइएगा, मजीद क्या कार्रवाई रही अदालत की? अच्छा देखिए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री केस से मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट कराची बार और सिंध हाईकोर्ट बार की दरखास्तों की जमानत से समाप्त हुई, जहां जामिया कराची और पुलिस ने अदालत में जवाब जमा कराया है। विफाकी हुकूमत और पाकिस्तान बार काउंसिल की जाने से जवाब जमा कराने के लिए मोहलत की सदा की गई है। अदालत ने इस्तफसार किया है कि इस्लामिया कॉलेज पेशावर को दरख्वास्त फरीक बनाया गया है, जिसपे दरख्वास्त गुजर का कहना था कि इस्लामिया कॉलेज को भी फरीक बना रहे हैं। अदालत ने इस तरह दरखास्तों की मजीद समाप्त 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अदालत ने जामे कराची के मामले जामे कराची को इस मामले में किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोका हुआ है। जी जामे कराची पुलिस ने अदालत में जवाब जमा करवा दिया है। हमें अपडेट कर रहे थे सीनियर रिपोर्टर शमील अहमद, आपका शुक्रिया।